नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 100 मार्क्स हिंदी के चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोगों का चैप्टर नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुका है। अगर उन सारे वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ताकि आपका हिंदी का तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए आज के चैप्टर हम शुरू करते हैं। आज हम इसके समरी को देखेंगे, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, आज का चैप्टर 11 चैप्टर है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसके लेखक है मलयज। तो आप बढ़िया से इसको समझिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए, पहले हम लोग लेखक के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, लेखक के बारे में, हिंदी में नई कविता आंदोलन के आखिरी वर्षों में मलयज का उदय एक कवि के रूप में हुआ था। दोस्तों, जो हिंदी कविता लिखा जाता था उसके आखिरी वर्षों में मलयज का कवि के रूप में उदय हुआ था। अपनी चिंतन प्रक्रिया में वह सामाजिक यथार्थ और कलात्मक अभिव्यक्ति के संश्लिष्ट संबंधों से लगातार रचनात्मक मुठभेड़ करते हुए विकसित हो रहे थे। 20वीं सदी के 7वें 8वें दशक में उनकी आलोचना का स्वस्थ रूप निखर कर आया। दोस्तों, 20वीं सदी के 7वें 8वें दशक में उनकी जो रचना था वे निखर कर यानी सामने आया। चलिए फिर देखते हैं, आगे देखते हैं। वे रचना और आलोचना को मुक्ति बोध की तरह ही सृजन प्रक्रिया के विभिन्न पड़ावों के रूप में देख रहे थे। दोस्तों, जो उनके जानी जो मलयज की जो रचना था वे मुक्ति बोध थे कवि। उन्होंने जिस प्रकार की रचना किए थे उसी प्रकार के अपने रचनाओं को रूप में देख रहे थे। इस क्रम में डायरी में दर्ज दस्तावेजी सूचनाएँ व्यक्तिगत या सामाजिक अनुभवों को रचना के कच्चे माल के रूप में व्याख्यित करते हैं। दोस्तों, जो मलयज है वे उसके नाम से एक डायरी है, डायरी एक बुक की तरह है, उसी में जो लेखक सभी कविताएं लिखते हैं उसी में लिखते हैं। और जो ये हंसते हुए अकेलापन लिया गया है वे डायरी से ही लिया गया है। और जो लेखक अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में जो भी कुछ देखते हैं सोचते हैं किधर से इकट्ठा करते हैं, उन सभी को इस डायरी में ही लिखते हैं। मलयज डायरी लेखन को अपनी कर्म की साक्षी और संघर्ष का प्रवक्ता मानते हैं। दोस्तों, जो मलयज जी हैं अपन डायरी को अपने कर्म और संघर्ष का प्रवक्ता मानते हैं, यानी जो मलयज जी ने जो भी संघर्ष किया जो भी कर्म किया उन सभी को यह डायरी में ही लिखते हैं। अपने दैनंदिन जीवन में वे जो कुछ देखते हैं महसूस करते हैं उन्हें बेहद संवेदनाशील के साथ डायरी में दर्ज करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताया कि अपने जीवन में जो भी कुछ देखते हैं जो भी महसूस करते हैं उन सभी को उस डायरी में दर्ज करते हैं, यानी उस डायरी में लिखते हैं। उनकी डायरी भावुकता के व्यक्तिकपन से विकसित होकर संवेदना की सार्वजनिकता एक अपनी अर्थ वक्तृत्व और भाषा के माध्यम से पहुँचती है। तो दोस्तों, आपको इस चैप्टर में याद रखना है कि जो यह लिया गया है हंसते हुए मेरा अकेलापन, वह मलय जी के डायरी है जिसी से लिया गया है। और मलय जी उस डायरी में अपने सभी अनुभवों को सभी व्यक्तिगत सूचनाओं को उसमें लिखते हैं। तो आपको इतना ही याद रखना है। चलिए अब हम लोग इसके समरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, समरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, प्रस्तुत पाठ में लेखक रानी खेत में मिलिट्री छावनी में ईंधन के लिए काटे जा रहे पेड़ों को देखकर संवेदित होते हैं। दोस्तों, जो मिलिट्री छावनी होता है यानी जो मिलिट्री का जो कैंप होता है उसके लिए जो शरद ऋतु आने हैं यानी जाड़े का जो ऋतु होता है उसके लिए पेड़ काटे जा रहे हैं जलावन के लिए, और शरद ऋतु में आग भी तापा जाता है, बहुत ठंड पड़ती है तो उसी के लिए पेड़ को काटा जा रहा है। कौशानी में वे सरल स्वभाव के पहाड़ी शिक्षकों की सरलता पर मुग्ध होते हैं। और दोस्तों, कौशानी एक जगह का नाम है, वहाँ पहाड़ ज़्यादातर हुआ रहता है, वहाँ के जो सरल शिक्षक के जो यानी जो शिक्षक उनके स्वभाव को देख कर जो मलय जी हैं बहुत ही सरलता पर मुग्ध होते हैं। दिल्ली में 7-8 साल की बच्ची को सेब बेचकर देखते अंदर तक द्रवित हो उठते हैं। और दोस्तों, जब मलय जी दिल्ली जाते हैं तो 7-8 साल की बच्ची को सेब बेचते हुए देखकर उनको बहुत चिंतित होता है, यानी अंदर से द्रवित हो उठते हैं। अपने अनायास से भय को भी साफ साफ लिख देते हैं। और दोस्तों, जो मलय जी को जो समझ में आता है उस डायरी में उसको लिख देते हैं। जीवन के सुखात्मक और दुखात्मक अनुभवों के प्रति एक गहरी रागात्मक
स्मृति उस डायरी के इन अंशों को पढ़कर यह अनुभव होता है कि मल्लयज के लिए साहित्य सृजन महज शब्दों का व्यापार नहीं है। और दोस्तों जब आप उस डायरी को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि मल्लयज जी उस डायरी में क्या क्या लिखे हैं, क्या क्या अपने दुख सुख को लिखे हैं। और उस डायरी को जब आप पढ़िएगा तो आपको यह लगेगा उस डायरी में मल्लयज जी अपने शब्दों को व्यापार नहीं किए हैं, यानी जो शब्द हमारे हैं उनको व्यापार की तरह नहीं देखे हैं, उसमें अच्छे अच्छे शब्द को जोड़कर अच्छे से लिखा गया है। साहित्य लिखने और साहित्यकार बनने के लिए लेखन से परे जीवन में ही एक सजगता, स्वाधीनता और सावधानी का होना जरूरी है। दोस्तों मल्लयज जी कहते हैं कि साहित्यकार बनने के लिए जीवन में स्वाधीनता और सावधानी जरूरी है, तभी हम लोग साहित्यकार बन सकते हैं। फिर कहते हैं लेखक के निजी जीवन की तकलीफ, बेचैनियां तथा बाहरी संसार के विभिन्न मनोरम प्राकृत दृश्य, आर्थिक सामाजिक असमानता, स्वाध्याय विभिन्न प्रकार के समाजों और व्यक्तियों का सर्पसंग आदि बहुत कुछ मिलकर उनकी रचनात्मक को निर्धारित करते हैं। दोस्तों जो डायरी जो लिखा गया है उसमें जो मल्लयज जी हैं वे कई तरह से लिखे हैं, उन अपने जीवन में जो भी कुछ बीता है, जो भी कुछ मनोरंजन किए हैं, जो भी कुछ देखा है, उन सभी को उस डायरी में लिख देते हैं और उसको अच्छे से तैयार किए हैं और उस डायरी से ही यह लिया गया है। और दोस्तों इसमें उस डायरी के ही कुछ अंश यहाँ पे दिया गया है जिसको हम लोगों को पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। मल्लयज का मानना है कि हम जिस संसार में रहते हैं उसमें हम संबंधों की सापेक्षता के बीच अपने कार्यकलाप करते हैं। दोस्तों जो मल्लयज जी का कहना है कि जो हम लोग इस संसार में रह रहे हैं उसमें संबंध, यानी जैसे हम लोगों का कोई ना कोई संबंध है, जैसे हम लोगों को माता पिता हैं, भाई बहन है और रिश्तेदार हैं, उन सभी से संबंध है और इस संबंध को अपने कार्यलाप करते हैं, यानी संबंध को जोड़ते हुए हम लोग जो भी काम करते हैं बिना संबंध के काम नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवनानुभव और उसके प्रति हमारा व्यवहार एक नया यथार्थ बनता है जो दूसरों को भी प्रभावित करता है। और दोस्तों यह सब जो जीवन है यह हमारे प्रति और दूसरों के प्रति जीने का ढंग को बताता है, यानी उस डायरी जो है दोस्तों उसमें जो पूरे जी मल्लयज जी कैसे कैसे अपने जीवन बिताएं, कैसे कैसे क्या किए हैं, उन सभी को उस डायरी में ही लिखते हैं। और उस डायरी को जब आप पढ़िएगा तो आपको भी लगेगा कि नहीं, ऐसे जीवन जीना चाहिए। उनमें जीवन के मूल्यों को बताया गया है सभी के बारे में, उसमें डायरी में मल्लयज जी पूरे तरह से लिखे हैं। इस तरह दूसरे के अनुभव और उसके व्यवहार हमें भी प्रभावित करते हैं, और इस तरह दूसरों के जब हम लोग व्यवहार देखते हैं, उसके अनुभव करते हैं, तो हम लोगों को भी लगता है कि नहीं, हम लोगों को उसी की तरह बनना चाहिए, यानी दूसरों के व्यवहार से हम लोग प्रभावित हो जाते हैं। अतः आदमी दूसरों को कार्यकलापों से प्रभावित होता है तो यह यथार्थ का भोगना या जीना कहा जाता है। अर्थात जब हम लोग दूसरे के कार्यकलाप यानी दूसरे के कार्यों से जब हम लोग प्रभावित होते हैं तो इसे भोगना या जीना कहा जाता है। किसके? डायरी के अनुसार, यानी मल्लयज जी के अनुसार। तथा उसके अपने कार्यकलाप एक नए रचे अर्थात की तरह होते हैं जो दूसरों को प्रभावित करते हैं। उन्होंने इस संसार को अर्थात की लेन देन का नाम दिया है। दोस्तों जो मल्लयज जी हैं वह इस संसार को लेन देन का नाम दिया है। कहते हैं कि इस संसार में लेन देन होते रहता है, अर्थात हम किसी से कुछ ले लिए, किसी को दे दिए, यानी उस डायरी के अनुसार कहते हैं मल्लयज जी कि यह संसार में लेन देन का नाम लिया गया, यानी संसार को लेन देन का नाम दिया गया है, क्योंकि बिना लेन देन का यह संसार नहीं चल सकता है। आगे देखिए, हर आदमी इस अर्थात की लेन देन अर्थात प्रभावित करने तथा प्रभावित होने की प्रक्रिया में शामिल होता है। अब मल्लयज जी कहते हैं कि जो यह लेन देन का जो नियम है इसमें हर लोग, हर व्यक्ति या संसार में जितने भी आदमी है वह इस लेन देन में शामिल होता है और इससे प्रभावित होता है, तभी वह आगे सफल बन सकता है। यानी जब हम लोग को शिक्षा कोई देवे नहीं करेगा तो हम लोग ग्रहण कैसे करेंगे, इसलिए उसी तरह बहुत ही चीज़ है जो लेन देन के बिना संभव नहीं है, अर्थात इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं वे लेन देन करते ही रहते हैं। संबंधों की यह सक्रियता ही उसे मनुष्य बनाए रखती है। और दोस्तों यह जो संबंध है, जो लेन देन की जो प्रक्रिया है, यह सक्रिय यानी यह काम मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है। चूँकि यह परस्पर प्रभाव का भाव है,
अतः यह भी एक रचनात्मक कर्म है, क्योंकि रचनात्मक एकांकित या निरपेक्ष नहीं होती। अर्थात यह भी एक लेन देन का यह कार्य एक जरूरी बात है, यानी रचनात्मक कर्म है, यानी हम लोगों का कर्म है, क्योंकि जब तक हम लोग लेन देन नहीं करेंगे यह संसार नहीं चल पाएगा, तभी यह जरूरी है। तो दोस्तों यह उतना निबंध एक तरह का था जो डायरी जो मल्ल्य जी के द्वारा लिखा गया है उसी के बातों को यहाँ पे लिखा गया है, उससे कुछ बात को निकाल कर आपके यह अथी निबंध में जोड़ दिया गया है। तो आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए, इसमें उतना समझने वाली बात नहीं है, सिर्फ अब इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताऊँगा तो आपको अच्छे से उसको समझना है और याद कर लेना है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं उसको बता दूंगा, तो टेंशन नहीं लेने का है। और दोस्तों जैसे भी इस समरी को मैं यहाँ पे बताया हूँ वैसे ही आपको समरी का एग्जाम में लिखना है, पहले लेखक के परिचय देना है, उसके बाद उसको जो डायरी में से आपको समझ में आएगा उसके बारे में नीचे लिख देना है। तो इसी तरह को आपको समरी को एग्जाम में लिखना है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।